आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का पहला अध्याय संबंध तथा फलन के अंतर्गत प्रश्नावली नंबर 1.2 के उदाहरण नंबर 7 से 14 तक हल करेंगे। तो हमारे पास 7वां उदाहरण है। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है और मान लीजिए कोई भी फंक्शन एफ ए से एन यानी एफ एक्स बराबर विद्यार्थियों का रोल नंबर द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए की अब एकक की है किंतु आच्छादक नहीं है। तो हम आपको ये एक पहले डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ और यहां तो बच्चों के रोल नंबर है हमारे पास 1, 2, 3 और इसमें जो बच्चे हैं वो 50 है। ये समुच्चय ए है और इधर जो दिया हुआ है वो समुच्चय एन यानी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे 50, 51, 52 और अंत तक चला जाएगा। ये अब ये कहता है कि एफ एक्स विद्यार्थियों के रोल नंबर द्वारा परिभाषित है। अब जिस तरह से पहले विद्यार्थी का रोल नंबर 1, दूसरे विद्यार्थी का रोल नंबर पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, 50वें का 50, ऐसे ये रोल नंबर अपने चलते जाएंगे। ठीक है, समुच्चय हमारा इस टाइप का हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। अब क्या दो जो बच्चे हैं उनका जो रोल नंबर है वो समान हो सकता है? अब यानी सभी का रोल नंबर अलग अलग होगा कि दो भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के रोल नंबर समान नहीं हो सकते। यहां जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर क्या है अलग अलग होंगे, दो कोई भी अलग अलग विद्यार्थी उनका रोल नंबर समान नहीं हो सकता। जैसे दूसरे भी विद्यार्थी का रोल नंबर 2 और तीसरे का भी 2 ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि दो भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के रोल नंबर समान नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो इसलिए जो फलन एफ दिया हुआ है वो एकक की है। अब आगे हम आच्छादक के लिए चेक करते हैं कि ये जो हमें फलन दिया हुआ है ये आच्छादक है या नहीं। तो फिगर में भी जाते हैं हम, तो फिगर में हमें देखने पे पता चलता है कि 51 जो है वो एक एन में तो है, नेचुरल नंबर तो है, 52 है वो नेचुरल नंबर तो है, लेकिन किसी भी बच्चे का रोल नंबर नहीं है। तो अब ये लिखो कि सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर 50 तक ही है, अतः एन का अवयव 51 किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं है। अतः अब अच्छा दी नहीं है। तो 1-1 क्यों हुआ, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का जो रोल नंबर है वो अलग अलग होगा, इसलिए ये 1-1 हुआ। और अच्छा दी क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो बहुत सारी संख्याएं बच गई जो कि किसी भी बच्चे का रोल नंबर नहीं है, इसलिए अच्छा दी नहीं है। इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगले उदाहरण नंबर 8 है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त एक फलन अब एन से एन में यानी प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में एकक की है किंतु आच्छादक नहीं है। तो इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है।
कि हमारा फंक्शन में ए पार्ट क्या है और बी पार्ट क्या है, यानी पहला भी पार्ट नेचुरल नंबर है और दूसरा भी नेचुरल नंबर है। ये मैंने इसलिए इसको अलग लिखा है ताकि आपको विशेष तौर पे ये याद रह जाए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका बहुत गहरा मतलब है। तो अब यहाँ क्या है, एन से एन का अर्थ ये है कि हमारा ए की जगह भी एक नेचुरल नंबर्स का सेट है और बी की जगह वो भी एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये दिखाना है कि एफ एक्स बराबर 2x जो है वो एक अक्की तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। जैसे हम x के बराबर एक रखते हैं तो एफ एक्स का मान कितना आता है, दो। अगर एक रखते हैं तो एफ एक्स का मान कितना आता है, दो। दो रखते हैं तो एफ एक्स का मान आता है चार। तीन रखते हैं तो एफ एक्स का मान आएगा छह। यानी इस तरह से ऐसा कोई मान नहीं आएगा भाई तीन रखें तो छह भी आ जाए और चार भी आ जाए, या जिस तरह से चार के लिए भी ऐसे कोई दो मान नहीं होंगे भाई एफ एक्स का मान चार आएगा तो यहाँ पे एक्स तीन और चार हो जाए, ऐसा नहीं है। यानी प्रत्येक अवयव के लिए अलग अलग होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एफ एक्स एक एकक्की फलन है, क्यों, क्योंकि यदि एफ एक्स वन बराबर हम एफ एक्स टू लेते हैं तो एफ एक्स वन का मान दो एक्स वन, एफ एक्स टू का मान यहां से देखें तो दो एक्स टू, दो से दो कट जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाएगा। तो यही हमारी परिभाषा है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू अगर लेके चलें तो एक्स वन बराबर एक्स टू हम सिद्ध करते हैं। तो एफ एक्स एकक्की फलन है। अब हमें आच्छादक दिखाना है। आच्छादक दिखाते समय जैसे हमारा ये वाला अवयव है एक, क्या इसका इधर प्री इमेज बन सकता है? हम एफ एक्स बराबर एक लेके चलते हैं, यानी दो एक्स बराबर एक, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक बटे दो होनी चाहिए। तो एक बटे दो तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, तो एक बटे दो एन में नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको इस टाइप से लिखेंगे क्योंकि एक जो है वो इस एन से संबंध रखता है, ठीक है, एक जो है एन से संबंध रखता है लेकिन इस एन में ऐसे किसी एक्स का अस्तित्व नहीं है कि एफ एक्स बराबर दो एक्स बराबर एक हो, यानी एक्स के बराबर एक बटे दो हो। तो अतः ये यानी फंक्शन आच्छादी फलन नहीं है। ये निकल लिया तो हमें यहीं से हो गया था कि एफ एक्स के बराबर हमारा एक है, इसके लिए इस एक का संबंध एक बटे दो से होना चाहिए, एक बटे दो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ये आच्छादी फलन नहीं है। तो ये वेन डायग्राम से भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर आठ कंप्लीट होता है। आगे उदाहरण नंबर नौ हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर दो एक्स द्वारा प्रदत्त फलन आर से आर में, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में एकक्की तथा आच्छादक दोनों है। अब देखें कि वास्तविक संख्याओं के फलन से वास्तविक संख्याओं के फलन में कैसे हैं। जैसे इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगी, बटे वाली संख्या भी आ जाएगी, पॉइंट वाली, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी यहाँ हैं और जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी यहाँ हैं। जैसे एक्स के बराबर हम एक ले रहे हैं, एक ले रहे हैं तो हमारे पास ये दो है, दो ले रहे हैं तो चार है, तीन ले रहे हैं तो छह भी हमारे पास है और आधा ले रहे हैं तो एक भी हमारे पास है। तो इसलिए जो आर का प्रत्येक अवयव है उसके लिए हमें अलग अलग
मान प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा कोई मान नहीं है कि जो हमें एक जैसा रिजल्ट दे दे कोई दो वैल्यूज पे, तो ये सभी का अलग अलग के लिए है। तो इस टाइप से जो फंक्शन है वो हमारा 1-1 है, यानी एक एक्टी है। लिखेंगे कैसे इसको, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि एफ एक एक्की फलन है क्योंकि यदि एफ एक्स 1 बराबर हम एफ एक्स 2 लेते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा x1 बराबर x2। अब यही एक एक्की फलन की परिभाषा होती है कि अगर ये लेके चलें और इससे हम ये सिद्ध कर दें तो ये एक एक्की फलन होता है। अब दोबारा आच्छादक के लिए चेक करते हैं। जैसे हमने 2x के बराबर 1 लिया तो x की वैल्यू 1/2 वो भी हमारे पास है, तो यहां पे ये लिखेंगे कि साथ ही f जो है वो आच्छादक भी है क्योंकि अब कोई भी इसमें वास्तविक संख्या ले लें हम y, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या y, यानी जो दूसरे r में बिलोंग करता है, r के लिए y/2 का अस्तित्व पहले वाले r में है। जहां क्या हो, अब की जगह अगर हम y/2 पुट करें तो 2 गुना y/2 यानी y है। तो ये हमने इस वेन डायग्राम से भी देख लिया था कि अगर हम यहां 1 लेते हैं तो 1/2 भी है, अगर इधर का 1/2 लेते हैं तो इधर 1/4 भी मिलेगा, इधर √3 लेते हैं तो इधर √3/2 भी मिलेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये आच्छादक भी है, कि यहां से कोई भी हम y लेते हैं तो इधर y/2 हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए ये आच्छादक है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 9 को हमने ये सिद्ध किया कि ये एक एक्की फलन भी है और आच्छादक फलन भी है। उदाहरण नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि f1 = f2 = 1 तथा fx जो है x-1 यदि x बड़ा है 2 से, यानी f1 = 1 है, f2 = 1 है और f2 से बड़े के लिए ये वाला फलन हमें दिया हुआ है। दोबारा फलन f प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में आच्छादक तो है लेकिन एकअक्की नहीं है, ये दिखाना अपने को। हमें फलन दिया हुआ है प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में। अब ये कहता है कि f1 = 1, यानी अगर यहां पे हम 1 लेते हैं तो इस सेट में भी 1 ही आएगा, अगर f का मान यहां 2 लेते हैं तो भी यहां 1 आएगा, 2 से बड़े के लिए यानी 2 के लिए भी 1, 1 के लिए भी 1। लेकिन 2 से बड़े के लिए अगर f हम 3 रखते हैं तो ये जो है 3-1 2 हो जाएगा, 4 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि 1 के लिए भी 1 है और 2 के लिए भी 1 है, यानी a के अलग अलग अवयवों के लिए b का भी अलग अलग अवयव आए तो ये एकअक्की होता है, नहीं तो एकअक्की नहीं होता। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये एकअक्की नहीं है, तो इसको लिखेंगे कैसे, यहां पर f1 = 1 है तथा f2 = 1 है, लेकिन 1 और 2 = 1 है। इस एकअक्की की परिभाषा के अनुसार f(x1) और f(x2) अगर बराबर है तो x1 = x2 होना चाहिए, लेकिन यह ऐसा नहीं है, इसलिए जो दिया हुआ फलन है f वो
एकांकी नहीं है। अब हम आच्छादक चेक करते हैं, ये आच्छादक होगा। जैसे देखो एक के लिए एक है, एक के लिए दो भी है, और इसी तरह से हम दो रखते हैं तो इसकी इमेज तीन होनी चाहिए, परी इमेज तीन होनी चाहिए, वो भी है। तीन की भी परी इमेज हमारे पास चार है, तो प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव से जो संबंध है वो पहले वाले सेट में भी है। तो इसको लिखेंगे हम कैसे, कि किसी परदत्त वाई बिलोंग्स टू इस सेट का, और यहां पे एक बार हम ये ले लेते हैं कि वाई बराबर नहीं है एक के लिए, हम इस तरह से परिभाषित करते हैं। जैसे ये वाई के बराबर अगर हम एक्स माइनस एक लेते हैं तो एक्स का मान आ जाएगा वाई प्लस एक, तो ये आपको एक बार ध्यान रखना है। अब ये लिखते हैं किसी परदत्त वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इसके लिए, और वाई एक नहीं है के लिए हम ये लिख सकते हैं एक्स को वाई प्लस एक चुन लेते हैं ताकि क्या हो जाए एफ वाई प्लस एक, ये क्या बन जाए एक्स की जगह वाई प्लस एक रखें तो, और माइनस एक, यानी एफ वाई प्लस एक क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो ये चीज हमारी अगर सत्य है तो ये क्या हो जाएगा आच्छादक हो जाएगा। साथ में हमने यहाँ पे एक छोड़ा है तो साथ ही हमें ये भी दे रखा है कि एफ वन के बराबर वन है, तो यानी सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, और यहाँ एक हमने छोड़ा था उसके लिए भी अलग से हमें दिया हुआ है कि ये है। तो ये अगर चीज सत्य है हमारी तो अतः अब आच्छादक होगा। यानी अगर हमें आच्छादक न सिद्ध करना हो तब तो केवल एक उदाहरण से काम चल सकता है, अगर आच्छादक हमें सिद्ध करना है तो हमें सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, यानी इस अगर यहाँ प्राकृत संख्या है तो सभी प्राकृत संख्याओं के लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा, जो हम इस हिसाब से सिद्ध कर सकते हैं। है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स के द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर में न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और परिभाषित कहाँ है ये आर से आर पे, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पे। जैसे वास्तविक संख्याएं हम ले लेते हैं एक बार, यदि एक्स की जगह हम एक लेते हैं तो एफ एक्स एक आ जाएगा, माइनस एक लेते हैं तो भी एक आएगा, ऐसे दो पे चार आता है, माइनस दो पे भी चार आएगा, ऐसे ही तीन, एक बटे तीन, एक बटे चार, रूट दो, ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। इस तरह से हम यहाँ पे भी वास्तविक संख्याएं लिख सकते हैं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, रूट तीन, एक बटे चार, इस टाइप से बहुत सारी वास्तविक संख्याएं यहाँ पे भी है, बहुत सारी वास्तविक संख्याएं यहाँ पे भी है। अब हम सबसे पहले ये दिखाना चाहते हैं कि एकाकी नहीं है। एकाकी नहीं है इसका मतलब किस हिसाब से हम दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे यहाँ हम देख रहे हैं कि f अगर एक है तो वो भी एक है, और f माइनस एक लेते हैं तो वो भी एक है, यानी यहाँ पे f एक और f माइनस एक ये दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे एक और माइनस एक बराबर नहीं है। तो एक अक्की कब होता है, जब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हमें दिया हुआ हो और हम सीधे ये करते हैं कि एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो अतः अब एक अक्की नहीं है। हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये फलन हमें दिया हुआ है ये आच्छादक नहीं है। तो यहां हम देखते हैं जैसे माइनस दो इस आर से संबंध रखता है, यानी इस बाद वाले आर से संबंध रखता है, तो इस तरीके से लिखते हैं कि पुनः ये माइनस दो जो है वो
आर से संबंध, इस आर से संबंध रखता है, लेकिन यहां पे ऐसा कोई एक्स नहीं है, लेकिन ऐसा कोई एक्स इस आर में नहीं है ताकि एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस दो हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस दो, एक्स के बराबर रूट दो आयोटा होना चाहिए, तो आयोटा तो इसमें वास्तविक संख्या में होता नहीं, तो इस टाइप का कोई एक्स ऐसा नहीं है कि जो एक्स स्क्वायर को माइनस दो बना दे, तो अतः एफ आच्छादक भी नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि एफ न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट होता है। उदाहरण नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन एफ एन से एन में एकाकी तथा आच्छादक दोनों ही है। तो पहले एकाकी के लिए हम देखते हैं, तो एकाकी के लिए मान लेते हैं, माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है और हम सिद्ध करेंगे कि एफ वन बराबर एक्स टू है। अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया तो इसका मतलब ये एकाकी है, नहीं तो एकाकी नहीं है। तो अब हमारे पास तीन केस बनते हैं। तीन केस कौन कौन से? एक बात तो ये कि अगर एक्स वन सम है और x2 विषम है, या फिर इसका विपरीत कह सकते हैं कि x1 विषम है और x2 सम है, यानी दोनों अलग अलग हैं। तो केस वन, माना x1 सम है तथा x2 विषम है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, या फिर x2 सम है या x2 सम है तथा x1 विषम है। तो इस केस में fx1 बराबर fx2 है। fx1 का मान x1 अगर सम है, x1 सम है तो ये हो जाएगा x1 माइनस वन। fx का मान x माइनस वन है तो x की जगह x वन रख दिया हमने। और x2 यानी x2 अगर विषम है तो fx के बराबर x प्लस वन है, तो इसका मतलब x2 प्लस वन। तो x1 माइनस x2 ये कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, कि एक सम और विषम का जो अंतर है वो दो आ गया, तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता, ये असंभव है। अगर ये असंभव है तो या तो फिर x1 और x2 दोनों सम होंगे या फिर दोनों विषम होंगे, तो इसलिए x1 तथा x2 या तो दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे। तो एक केस ये लेते हैं कि जब ये दोनों सम है, माना x1 तथा x2 दोनों सम है। इस केस में क्या करेंगे हम कि हमें एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू दिया हुआ है, दोनों सम है तो ये एक्स वन माइनस वन हो जाएगा और ये एक्स टू माइनस वन हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो यहां से एक्स वन बराबर एक्स टू माइनस वन प्लस वन ये कट जाएगा और एक्स वन बराबर एक्स टू, तो यहां पे क्या हुआ कि एफ एकाकी है। अब हम दोनों विषम लेते हैं, दूसरा केस, ये तीसरा केस। इस केस में हम माना एक्स वन तथा एक्स टू दोनों
विषम है, विषम है तो विषम वाला लगाएंगे। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, ये हो जाएगा एक्स वन प्लस वन बराबर एक्स टू प्लस वन, और यह आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू, तो इसलिए आप एक आके है। यानी यहाँ पे हमने पहले ये देखा कि इन दोनों में से एक सम एक विषम है, जो हमने ये दिखाया कि इन दोनों का डिफरेंस तो दो आता है, एक सम और एक विषम का डिफरेंस दो कभी आ ही नहीं सकता, यह असंभव है। इसलिए या तो ये दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे। पहले हमने सम का केस किया, फिर विषम का लिया, और दोनों में ही ये एकाकी सिद्ध कर दिया। हम आच्छादक के लिए इसे चेक करते हैं, तो हमें ये दिया हुआ कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन यदि एक्स विषम है। तो एफ एक्स को हम एक बार वाई लिखते हैं कि वाई बराबर एक्स प्लस वन यदि एक्स विषम है। तो यहां से एक्स का मान, यानी अगर एक्स विषम है तो वाई क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो एक्स का मान वाई माइनस एक यदि y सम है। दूसरा कि y बराबर x माइनस वन यदि x सम है। यदि x सम है, सम में से एक कम हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, विषम। तो यहां से x का मान निकालें कि y प्लस वन, और ये कब होगा, y यहां पे क्या है, y विषम है। यदि y हमारा विषम है तो x की वैल्यू y प्लस एक है, अगर y हमारा सम है तो x की वैल्यू y माइनस एक है। अब यहां पे हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, इससे हमें अच्छी तरह से क्लियर होगा कि ये आच्छादक है या नहीं है। ये प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्या में हमें फलन दिया हुआ है, प्राकृत संख्याएं एक दो तीन चार पांच ऐसे ऐसे चलती जा रही है, एक दो तीन चार पांच ऐसे से। अब ये देखें, अगर y हमारा सम है तो इसमें सम दो चार छह आठ है, y अगर सम है तो x की वैल्यू y से एक कम होती है, यानी x की वैल्यू y से एक कम, यानी ये हो जाएगी चार का संबंध किससे हो जाएगा, तीन के साथ होएगा, और छह का संबंध पांच के साथ हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। इधर अगर सम संख्या है दूसरे सेट में तो वो किससे संबंध होगा, पहले के एक कम से, यानी विषम संख्याओं से। अब दूसरा, अगर y विषम है तो ये x क्या है, y प्लस एक, यानी एक फालतू से। अगर एक है तो दो से संबंध रखेगा, तीन है तो चार से संबंध रखेगा, पांच है तो छह से संबंध रखेगा। इस तरह से एक दो से, दो एक से, तीन चार से, चार तीन से, पांच छह से, यानी सभी अवयवों से ये संबंध रखेंगे। तो यानी यहां पे अगर कोई एलिमेंट है तो उसका संबंध पहले सेट के एलिमेंट से जरूर होगा, तो अतः ये आच्छादक है। लेकिन लिखेंगे किस तरह से, लिखने का तरीका हम आपको यहां बता रहे हैं। लिखने का तरीका इस तरीके से है, यदि y इस n में है, y अगर इस n में है तथा सम है तो यहां पे जरूर x एक इस तरीके से होगा, तो x इस प्रकार से है कि एफ ऑफ वाई माइनस एक बराबर वाई हो, एक्स जो है वो पहले सेट में से ऐसा जरूर है कि एफ वाई माइनस एक्स बराबर वाई हो। और साथ ही अगर ये देखते हैं कि यदि वाई बिलोंग्स टू एन है तथा विषम है, वाई इस दूसरे सेट से संबंध रखती है और विषम है, तो
x belongs to natural number पहले सेट से का अस्तित्व है जो कि इस प्रकार से है कि f y plus 1 बराबर y हो। तो ये अगर हम देखें तो ये आच्छादक की परिभाषा यही है। तो अतः f आच्छादक है। तो इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट होता है। नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f 1, 2, 3 से 1, 2, 3 सदैव एकाकी फलन होगा। तो इसको हम विरोधाभास के द्वारा सिद्ध कर देते हैं। मान लेते हैं कि एकाकी फलन नहीं है। माना f एकाकी फलन नहीं है। अगर मान लिया एकाकी फलन नहीं है तो हमें ये इस तरीके से देखना होगा कि ये फलन f है, इसमें हमारे ये लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये एकाकी फलन नहीं है। अगर ये मान लिया कि एकाकी फलन नहीं है तो ये इस तरह से हो सकता है, जैसे एक का संबंध एक के साथ हो जाए, दो का संबंध दो के साथ हो जाए, और तीन का भी चाहे दो के साथ हो या एक के साथ हो, इस तरह से हो जाए। तो अब ये एकाकी फलन नहीं है, क्योंकि एकाकी फलन वही होता है कि एक का एक के साथ, लेकिन यहाँ दो का एक के साथ है, ये एकाकी फलन नहीं है। अब ये एकाकी फलन नहीं है तो दूसरा देखें, क्या ये आच्छादक है? तो इसके परिसर में दो अवयव एक और ये दो है, इसका परिसर तो ये है, और इसका सह प्रांत 1, 2, 3। क्या ये दोनों बराबर है? ये बराबर नहीं है तो ये आच्छादक भी नहीं है। परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं है, अतः क्योंकि इसमें ये तीन एक्स्ट्रा बच गया तो आच्छादक नहीं है, क्योंकि वाई के प्रत्येक अवयव का संबंध यहाँ पे पहले वाले समुच्चय के अवयवों के साथ होना चाहिए, और प्रांत और परिसर और सह प्रांत बराबर होने चाहिए तभी आच्छादक है। बराबर नहीं है तो अतः f आच्छादक नहीं है। ये तो जो दिया गया उसका विरोधाभास है। तो ये दिए गए आच्छादक फलन का विरोधाभास है, क्योंकि दिया गया फलन आच्छादक है। अतः f जो है वो एकाकी फलन होगा, क्योंकि जो मानना है वो हमने गलत है, और f एकाकी फलन होगा। कैसे? दोबारा एक बार बताते हैं आपको कि f हम ये मान लेते हैं कि एकाकी फलन नहीं है, और इसको विरोधाभास के द्वारा हम सिद्ध करेंगे। तो अब इसके परिसर में दो अवयव हैं, ये अगर एकाकी नहीं है तो किन्हीं दो का संबंध एक के साथ जरूर होगा, तो इसके परिसर में जो अवयव बचे वो दो बचे, और सह प्रांत में तीन है। परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं है तो ये आच्छादक नहीं है, लेकिन ये तो आच्छादक हमें दिया हुआ था, ये इस बात का विरोधाभास है। तो अतः जो दिया गया फलन है वो आच्छादक है, और ये फलन हमारा एकाकी फलन होगा। इस तरह से उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट होता है। उदाहरण नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कि एक एकाकी फलन f 1, 2, 3 से 1, 2, 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। तो हमें ये इस टाइप से एक फलन दिया हुआ है, एक सेट 1, 2, 3, दूसरे सेट में भी अवयव जो है वो 1, 2, 3 है, और ये फलन दिया हुआ है, और ये एकाकी फलन दिया हुआ है।
तो हम यहां पे देख रहे हैं कि पहले सेट में भी तीन अवयव है और दूसरे में भी तीन अवयव है और ये एकक की दिया हुआ है, तो इन तीनों का संबंध किसी ना किसी रूप से दूसरे इन तीन अवयवों के साथ होगा। तो अब यहां देख रहे हैं कि इसका जो परिसर है वो भी एक दो तीन है और सह प्रांत भी एक दो तीन है, कोई अवयव एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है जो इसके परिसर और सह प्रांत में डिफरेंस पैदा कर सके, तो इसलिए ये आच्छादक भी है। तो लिखेंगे हम किस तरह से, चूंकि अर्थ जो है वो क्या है, एक अक्की फलन है, इसलिए जो ये एक दो तीन है, एक दो तीन के तीन अवयव अर्थ के अंतर्गत जो ये सह प्रांत है, अर्थ के अंतर्गत सह प्रांत एक दो तीन के तीन अलग अलग अवयवों से कर्म से संबंधित है। यहां परिसर तथा सह प्रांत दोनों में अवयवों की संख्या समान है, अतः अर्थ आच्छादक है, क्योंकि इसका परिसर भी एक दो तीन है और सह प्रांत भी एक दो तीन है। इस तरह से उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट होता है।